મનપસંદ સ્થાન લેવા વિનંતી છે. ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ પણ આવી ચુક્યા છે. દેશી રિયાસતો કા વિલય ભારત મે હુઆ. તીન લોગો ને ઇનકાર કિયા,
जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम और भोपाल के नवाब जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो सरदार पटेल ने टेढ़ी उंगली करके भी घी निकाला और मजबूर कर दिया। इन राज्यों का विलय, स्टेट का विलय हो जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर पंडित जी ने कहा मैं अपने पास रखूंगा। ताप्ती मैया भी जोड़ती है और इसलिए मध्य प्रदेश और गुजरात का गहरा रिश्ता है। आज मुझे कहते प्रसन्नता है सरदार सरोवर बांध के निर्माण के समय जितनी बाधाएं थी, आदरणीय नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होता था, कई लोग नहीं चाहते थे कि बांध का काम जल्दी पूरा हो, लेकिन हमने मध्य प्रदेश के हितों का भी पूरा ध्यान रखा। लेकिन गुजराती भी तो अपने ही हैं, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। तो सारी बाधाएं दूर हुई और सरदार सरोवर बांध के निर्माण का काम पूरा हुआ। मेरे बहनों और भाइयों, एक बधाई और बताना चाहता हूं कि सूरत हो, नवसारी हो, गुजरात हो, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 26 मांटे 26, बाकी सब जीरो हो गए। सेकेंड टाइम 14 में भी और 19 में भी, और मुझे लगता है थर्ड और फोर्थ टाइम भी रिकॉर्ड यही रहने वाला है, बदलने वाला है। सच में आपका हृदय से आभार। सूरत और नवसारी मैंने बताया, रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती और नरेंद्र भाई दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरे बहनों और भाई, सवाल केवल राजनीति का नहीं, गुजरात ने देश को अनेकों महापुरुष दिए। मुझे गर्व होता है इस धरती पर, ऐसी पवित्र धरती है जिसने दुनिया की दिशा बदली। महात्मा गांधी, बापू जी जिन्हें सत्य और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को दिया, और बापू आज भी दुनिया में प्रासंगिक है। बापू का शरीर नहीं है लेकिन विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, और महात्मा गांधी के बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं आज कश्मीर घाटी से आरोप कर मैं कश्मीर गया और मैंने तय किया कि कश्मीर में फ्लाइंग विजिट नहीं करूंगा, कि उतरे श्रीनगर फटाफट कार्यक्रम के वापिस। और ये किया जा सकता है, आप देख रहे होंगे जिस तेजी से भारत आज आगे बढ़ रहा है। बाकी पार्टियों के पास क्या विचारधारा है, केवल एक खानदान एक परिवार की पार्टियां बरसों से चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे अलग हट के पार्टी है। और ये मैं कहना चाहता हूं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, विकास के काम आज गिनाने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जी ने कुछ कामों का जिक्र किया, देश में विकास के कामों की क्रांति हो रही है, बदलाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है सच। और नरेंद्र मोदी कर्मयोगी भी है, महायोगी भी है, महामानव है। सचमुच में गर्व है मुझे सचमुच में कि हम ऐसे समय पैदा हुए जब नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है। हम सौभाग्यशाली, मैं तो मानता हूं एक जुर्मू ने देखिए नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू उठाई, स्वच्छ भारत अभियान, पहले कहीं भी केला खाया छिलका फेंका, पान खाया तीन थूक, लेकिन आज माइंड सेट चेंज हो गया है। अगर थूकना भी हो तो 17 बार देखता, अगर उन्होंने देख तो नीरा कोई नहीं तो क्या कहेगा। स्वच्छ भारत अभियान 17 बार सोचता है, भारत को बदल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया रसोई गैस की सब्सिडी जो सक्षम है वो छोड़ दे, लोगों ने लाखों लोगों ने छोड़ दी और करोड़ों बहनों को, गरीब बहनों को रसोई गैस का चूल्हा मिल गया। आज नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया पेड़ लगाओ, पूरे देश में वृक्षारोपण के अलग अलग कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की इकाई को बधाई देना चाहूंगा, सदस्यता के अभियान के साथ साथ अपने वृक्षारोपण का व्यापक अभियान हाथ में लिया। मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के किनारे करोड़ों वृक्ष हमने रोपे थे, क्योंकि पेड़ है तो नर्मदा जी है, पेड़ है तो नदियां हैं, पेड़ है तो पर्यावरण है। एक नहीं अनेकों अभियान, मैं विवरण दूंगा, तो एक नहीं पानी बचाने का अभियान, गुजरात में ही पानी के क्षेत्र में जो काम किया, वाटर लेवल बढ़ाए, पूरे देश में पानी बचाना, और इसलिए एक अलग राह पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मेरे बुद्धिजीवी भाइयों बहनों से भी, समाज के हर वर्ग से, हम क्यों सदस्य, देखिए हम जीतने के बाद इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी, लेकिन निकल पड़ी भारतीय जनता पार्टी, बाकी पार्टियों का आता पता नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी संगठन पर हमने पूछा कि इतने जल्दी जरूरत क्या, तो अमित भाई ने कहा कि अभी सर्वोच्च आना भारतीय जनता पार्टी का बाकी है, हमका सर्वोच्च कब आएगा,
तो बोले जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां जब सरकारें बन जाएगी तब सर्वोच्च आएगा पश्चिम बंगाल। हम कभी मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते, लेकिन जीना भी तकलीफ में दुखी होकर नहीं जीना चाहते, सुखी जीवन चाहते हैं, सुखी जीवन। और ये सुखी जीवन क्या, दुनिया में जितने भी विचारधारा प्रारंभ हुई इसी की खोज से प्रारंभ हुई। पश्चिम के लोगों ने कहा मनुष्य क्या है, शरीर है ये 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला, मनुष्य को अगर सुखी करना है तो शरीर को सुखी कर दो, मनुष्य सुखी हो जाएगा। और शरीर की आवश्यकताएं क्या है, शरीर कैसे सुखी होगा, भूख लगे भोजन दे दो, प्यास लगे पानी दे दो, रहने को मकान मिल जाए, चलने को गाड़ी मिल जाए, गर्मी हो तो एसी हो जाए, सर्दी हो तो हीटर लग जाए, आहार निद्रा भय मैथुन इनकी आवश्यकता पूरी हो जाए तो मनुष्य सुखी हो जाएगा। ये पश्चिम ने भी कहा, हमने भी कहा, लेकिन हमने ये कहा कि ये चीजें तो जरूरी, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार का इंतजाम ये होना चाहिए, ये जरूरी है, इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। पंडित जी ने भी कहा, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, कि जरूरी है मनुष्य शरीर है, शरीर का सुख चाहिए। उसके मैं कहता हूं मोदी जी हो या राज्य की सरकार हो या मुख्यमंत्री के नाते मैं हूं, हम लोगों ने कोशिश की कि कैसे सबको रोटी मिले कपड़ा मिले मकान मिले। 2022 तक कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा, ये संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, भारतीय जनता पार्टी का आयुष्मान भारत योजना इसी का प्रतीक है कि गरीब बिना इलाज के ना रह जाए। पढ़ाई लिखाई के इंतजाम के लिए अनेकों योजनाओं के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, तो ये चाहिए। और व्यापार उसके लिए जरूरी है, रोजगार के अवसर बढ़े, व्यापार ठीक चले। जीएसटी काउंसिल में जीएसटी की तकलीफ दूर करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं, मंदी से कैसे उबरे, व्यापार और कैसे तेजी से बढ़ सकता है, उद्योग कैसे तेजी से बढ़ सकते हैं, इसका प्रयास किया जाना चाहिए। लगातार चिंतन मंथन चलता है और एक के बाद एक फैसले लेते चले जा रहे हैं, लेकिन इसके आगे और एकाध मानव दर्शन ने कहा कि मनुष्य शरीर तो है, शरीर का सुख तो चाहिए, लेकिन मने मन का सुख भी चाहिए। और मन का सुख क्या होता है, कभी तोतली आवाज में बोलता हुआ कोई बेटा बेटी माँ के पास आता और माँ उसको उठाकर सीने से चिपका लेती है, उस समय माँ को जो सुख मिलता है उसको मन का सुख कहते हैं। कभी बहुत वर्षों बाद कोई पुराना मित्र मिल जाए तो दौड़ के गले लग जाते हैं, शरीर को कुछ नहीं मिलता लेकिन मन को आनंद आ जाता है। कोई चित्रकार चित्र बना दे और कोई कह दे वाह क्या चित्र है, कितना आनंद आता है। कोई कभी कविता लिखे सुना दे और कोई वाह वाह कहते हुए उड़े कह उठे तो मन मयूर प्रसन्न हो जाता है। मैं जब दिवा मूर्ति का अध्यक्ष था मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक साथ थे, एक राज्य थे, तो हम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार्यक्रम में गए। कार्यक्रम समाप्त हो गया, धर्मशालाओं में कार्यक्रम होते थे और ट्रेनों से हम लोग चलते थे, ट्रेन में टाइम था, धर्मशाला के कमरे में हम लेते थे। तो कुछ युवा मोर्चे के मेरे साथी एक बुजुर्ग नौजवान को ले बुजुर्ग सज्जन को लेके मेरे पास आए और कहा कि आपके भाषण से बड़े प्रभावित थे, आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो बुजुर्ग थे, मैं उठ के खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़े, उनको बैठाया और बैठा के मैंने कहा कि बताइए आपके मन में क्या है, क्या बात करना चाहते हैं। कांग्रेस का जमाना था, उनका बेटा देश की हालत बड़ी खराब है, मैंने कहा बात तो आप सही करें। बोले इस खराब हालत से मैं बड़ा व्यथित हूँ, मैंने कहा दुखी तो मैं भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस व्यथा से व्यथित होकर बेटा मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, वो तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। अब मैंने मन में सोचा कि ये तो कवि हैं और कविता सुनने का मूड मेरा बिल्कुल नहीं था उस समय। तो मेरे अध्यक्ष हुआ करते थे विजेंद्र सिंह, उनकी तरफ मैंने उंगली उठाई, इनको सुनाओ आप, ये ढंग से कविता समझते हैं। वो लेटे लेटे बोले नहीं नहीं शिवराजी ज्यादा विद्वान है, आप किसी को सुनाओ, ये अच्छा कदरदान है। अब मैं फंस गया, उनने कविता सुनाना शुरू किया। अब कोई कविता चीज है आत्मा का सुख, बाकी पार्टियों की कोई विचारधारा नहीं है, केवल परिवार है, केवल सत्ता प्राप्त करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दर्शन ने कहा कि मनुष्य आत्मा है, इसलिए आत्मा का सुख भी चाहिए। अभी आत्मा का सुख क्या होता है मैं बहुत लंबा विवेचन नहीं करूंगा, लेकिन हम जितने लोग यहाँ हैं हम दो हैं, एक अंदर का शिवराज एक बाहर का शिवराज, अंदर का शिवराज और बाहर का शिवराज कई बार गड़बड़ करने की सोचता है, झूठ बोल दो, बहाना बना दो, बेईमानी कर दो, दूसरे को नुकसान पहुंचा दो, लेकिन जब भी वो गलत काम करता तो अंदर से आवाज आती मत कर ये गलत है। अंतरात्मा जिसको कहते हैं टोकने की कोशिश करती है, उसको आनंद मिलता है दूसरों की भलाई में, उसको आनंद मिलता है दूसरों के कल्याण में। नर्मदा मैया के किनारे मेरा गांव है, मैं ठीक नर्मदा जी के किनारे ऊपर ही मेरा घर है, नीचे नर्मदा जी ऊपर मेरा घर है। एक बार नर्मदा जी में बाढ़ आई, तो बाढ़ जब कम होती है गांव में पानी नहीं घुसता तो दृश्य बड़ा अच्छा लगता है,
किनारे पर खड़े कम नर्मदा जी की बाढ़ के दृश्य को देख रहे थे। अचानक एक बच्ची का पैर फिसल गया। शाम का समय था, बहने लगे, लोग चिल्लाए बहुत, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई कूदा नहीं बचाने। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया, दौड़ा और कूद गया और 1 किलोमीटर दूर तक जाके अपनी जान के खेल उस बच्ची को खींच के ले आया किनारे। अब लोगों के मन में ये उत्सुकता थी कि ये बलवान बहादुर आदमी कौन है जो अपनी जान पे खेल के बच्ची को बचा के लाया। और उस आदमी की सूरत देखी तो सब आश्चर्यचकित रह गए। वो उस जमाने का, मेरे बचपन की घटना में सुना रहा हूँ, प्रसिद्ध चोर था जिसका नाम था गुलाब। हम अपनी भाषा में कहते थे गुलबा भड़िया, भड़िया मतलब चोर, हमारी देसी लोग उस तरह की भाषा थी। जब उसको देखा तो उससे पूछा, भाव बदल गया, चोर का भाव निकल गया क्योंकि जान पे खेल के बच्चे को बचा के लाया। उससे पूछा, कोई तू और बच्ची को बचाया, ये हुआ कैसे? तो उसने कहा, जब ये बच्ची गिरी और कोई बचाने नहीं आया तो मेरी आत्मा नहीं मानी, आया तो था मैं चोरी करने, कहां सेंध लगाना, पुराने जमाने में सेंध लगती थी, चोरी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी। आज की तरह मामला नहीं था कि कहीं से कोई गड़बड़ करो और कमा ले कोई बेईमान, बड़ी मेहनत से पैसा लाना पड़ता था। बोले, आया तो था मैं सेंध लगा ले, लेकिन जब ये बच्ची डूबने लगी तो मेरी आत्मा नहीं मानी। हर एक के अंदर है, बुरे से बुरे के आदमी के अंदर भी, तो मनुष्य आत्मा भी है, आत्मा का सुख भी चाहिए। इसलिए राज्य व्यवस्था ऐसी हो, समाज व्यवस्था, जिससे शरीर मन बुद्धि और आत्मा, इन चारों का सुख मनुष्य प्राप्त करके अपने जीवन की पूर्णता मतलब परमात्मा की प्राप्ति तक वो पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी के एक आत्मानव दर्शन के अंदर है। बहुत लंबा वो कुछ उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने इतना विवरण भी इसलिए दिया कि बाकी पार्टियां हैं केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचार के आधार पर देश को बदलना चाहती है। और केवल देश को नहीं बदलना चाहती, आज मैं कह रहा हूं सूरत जिस हाल में कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शास्त्र और शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो हमारा भारत कराएगा। देख लीजिएगा, हमारा भारत कराएगा, दुनिया को दिशा देगा ये भारत। और वैसे भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को भगवान का वरदान प्राप्त, ये जोड़ियां मिलती रही, और अब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सचमुच में गर्व होता, सचमुच में गर्व होता जो कुछ आज देश में चल रहा है। कभी किसी ने सोचा था क्या बालाकोट में जो एयरस्ट्राइक की घटना हुई, कोई साधारण घटना थी क्या? पहले आंख बताते थे, चले जाते थे, लेकिन अब कह दिया है कि धरती तो क्या, अगर पाताल में घुस जाओगे तो घुस घुस के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक की सीमाएं सुरक्षित की है भारत ने। कल ही आपने अखबारों पढ़ा होगा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कह दिया है कि ये देश है, धर्मशाला नहीं, कि जिसका मन हो आके घुस जाए। एक एक नागरिक का रजिस्टर बनेगा और एक एक विदेशी को जो घुसपैठिए हैं खोज खोज के देश के बाहर निकाल दिया जाएगा। सबको जुटना पड़ेगा, ये गलत फहमी नहीं है, हमको गवर्नमेंट पर बैठे हुए लोग देश बना लेंगे या प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी मिलकर देश बना लेंगे। करोड़ों करोड़ भारतीय एक साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाए, मन में एक भाव पैदा हो कि मेरे देश को आगे बढ़ाना है और उसके लिए मेरी ड्यूटी मुझे पूरा करना है, मेरे कर्तव्य का निर्वाह मुझे करना है। जिस दिन ये हो गया, दुनिया की कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती, कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती। और मैं कहना चाहता हूं अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हमारा, दुनिया के पश्चिम के देशों में, तथाकथित विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं लिख दी गई थी। ये देश वो देश है जिसने हमेशा दुनिया को दिशा दी, भूअर घी और दूध की नदियां, सोने की चिड़िया भारत, ये विचार वो विचार है जिसने आज भी हजारों साल पहले कहा, एकम सभ्य प्रभ बहुधा बनती, सत्य एक है। विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं, अरे संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, लेकिन भारत ने तो हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम परावेत्ति गणनालु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम्। ये मेरा ये तेरा है, ये सोच छोटे दिलवालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। गांव गांव में कथाएं होती है, हमसे संत उद्घोष करवाते हैं, धर्म की जय हो,
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो और विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भाव ना हो, मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भाव ना हो। और तो हम कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और विश्व का कल्याण हो। यही दर्शन विश्व का कल्याण भी करेगा। और ये धरती वो धरती है जहां आज हजारों साल पहले और गोस्पुरा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यह हमारा दर्शन है। पहले भारत में इस दर्शन को जमीन को उतारेंगे और फिर पूरी दुनिया तक इस दर्शन को ले जाएंगे ताकि पूरा विश्व भी सुखी हो सके। और इसलिए मेरे मित्रों आज मैं सूरत की इस पवित्र धरती पर रत्न नगरी आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं, जुड़िए भारतीय जनता पार्टी से। ये मत सोचिए ये तो राजनीतिक दलों का काम, मुझे क्या करना। व्यापारी जुड़े, उद्योगपति जुड़े, मजदूर जुड़े, विद्यार्थी जुड़े, डॉक्टर जुड़े, इंजीनियर जुड़े, प्रोफेसर जुड़े, वकील जुड़े, किसान जुड़े, नौजवान जुड़े, एससी जुड़े, एसटी जुड़े, माताएं बहनें जुड़े, ओबीसी जुड़े, समाज का कोई वर्ग ना छूटे, कोई वर्ग ना छूटे। सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा, मतलब किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप सबको खड़ा करना है देश के निर्माण के लिए। एक ही अभियान हाथ में लेंगे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ताकि अपने देश को आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान भी दे सकें। मेरे मित्रों स्वामी विवेकानंद जी ने नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम, उन्होंने कहा था, मैं देख रहा हूं चित्र नरेंद्र, मैं देख रहा हूं सुदीर्घ रैली समाप्त हुई जानी पड़ती है और भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके उठ के खड़ी हो रही है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से आगे बढ़ के विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। नरेंद्र नाथ दत्त ने ये कहा था, एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरा नरेंद्र इसको पूरा करेगा अपने लिए क्षेत्र में, ये मेरा विश्वास। आइए भारत के नव निर्माण में जुड़े, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में जुटे और वैसा देश बना दे जो दुनिया को दिशा देगा। खुद तो हम आगे बढ़ेंगे, देखिए तेजी से चीजें बदल रही, तेजी से आने वाले 4-5 साल में बहुत काम होने वाला है, लेकिन उस काम के सहयोगी और साथी हम भी बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की मैं विनम्र अपील करता हूं, केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, केवल राजनीति में कुछ बनने के लिए नहीं, अपना देश बनाने के लिए आइए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए। मेरे सदस्यता प्रभारी ने आपको पूरी पद्धति समझाई है, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। और सूरत को मैं गर्व करता हूं, जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव थे तो थोड़ी सी उठक पुथल जैसी चीज थी, लेकिन सूरत में सब चीजों को नकार के सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी छोड़ी गई। और एक सोच के अंततः अगर लार्जर इंटरेस्ट देश का और प्रदेश का कोई पूरा कर सकता है तो वो बीजेपी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जो सूरत वालों आपको प्रणाम, सूरत नवसारी नंबर एक है और नंबर एक रहेगा, ये मेरा विश्वास है। और मेरा ये भी विश्वास है कि सदस्यता में भी आप नंबर एक ही रहेंगे। आइए साथ आए, देश बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।